हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा परदेशी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बॉम्बे हलवा। ये कराची हलवा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही टेस्टी, यम्मी और इजी रेसिपी है ये। मैंने दिए हुए ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करोगे तो ये बहुत ही बेहतर बढ़िया बनकर तैयार होगा। इसके लिए मैंने पैन में 2 कप शक्कर और 2 कप पानी ऐड किया है। धीमी आंच पर बीच बीच में चलाते हुए शक्कर को बस पिघला लेना है हमें। शक्कर के पिघलने तक एक बाउल में हम लेते हैं उसी कप से नापकर 1 कप कॉर्नफ्लावर और 2 कप पानी। इसका एक घोल बना लेना है। बस ध्यान रखना है कि कोई भी लम्स ना रहे। इस घोल को हम शक्कर पिघलने के बाद उसमें ऐड करेंगे। यहाँ हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है। कॉर्नफ्लावर को ऐड करने के बाद आपको इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे जाकर बैठ जाएगा और इसके लम्स फॉर्म हो जाएंगे। मेजरमेंट के लिए मैंने 1 ही कप का यूज किया है। आप भी कोई कटोरी, कप या बर्तन सिलेक्ट करके उसे ही यूज करें। ये देखिए, इसमें गांठे पड़ना शुरू हो गई है। ये एकदम क्रीमी सा बन गया है, वाटरी सा नहीं है। अभी 5 से 7 मिनट इसी तरह पकाते रहेंगे हम इसे। कुछ हद तक ठीक हो चुका है ये। 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा घी मैंने यहाँ लिया है। इसमें से थोड़ा सा, करीबन 1 टेबलस्पून घी इसमें ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पूरा घी एक साथ डालने से चलाने में बड़ी दिक्कत आती है। घी पैन से बाहर निकलने की संभावना होती है, इसीलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यहाँ हम करीबन 1 टेबलस्पून घी इसमें और ऐड कर देते हैं। और 3 से 4 मिनट के बाद लगातार चलाते हुए पूरा घी इसमें मिक्सअप होने के बाद बचा हुआ सारा घी हम इसमें ऐड कर देंगे। और 5 से 7 मिनट इसी तरह पकाते हैं हम इसे। याद रखें कि हमें इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसे लगातार चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे करीबन 1/2 नींबू का रस, ताकि शुगर क्रिस्टलाइज ना हो। देसी घी पूरी तरह से एब्सॉर्ब हो चुका है, इसका कलर भी ऑफ वाइट हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी, ये काफी हद तक ठीक हो चुका है। अब हम इसमें मिलाते हैं 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर और 1/4 टेबलस्पून फूड कलर। फूड कलर थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना है हमें, ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए अब हम इसमें मिलाएंगे ड्राई फ्रूट्स। वैसे तो इसमें खरबूजे के बीज डलते हैं, मगर मैंने काजू बादाम को बारीक कट करके ऐड कर दिया है। आप चाहे तो पिस्ता भी ऐड कर सकते हो। यहाँ मुझे करीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। जब मिश्रण पैन को छोड़ने लगे और साइड से घी बबल अप होने लगे, तब तक हमें इसे पकाना है। ये देखिए, ये सिमट कर आ रहा है, बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है। ये देखिए, ये अच्छे से फोल्ड हो रहा है, तो ये तैयार हो चुका है। अगर आपको ज्यादा रबरी या चोई पसंद हो तो आप इसे 3 से 4 मिनट और पकाएं। अब मैं इसे एक स्क्वायर टिन में निकाल लेती हूँ। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लें। मैंने नीचे से कटे हुए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बिछा रखे थे, आप चाहे तो ऊपर से भी डेकोरेट कर सकते हो। इसे ठंडा होकर सेट होने के लिए कम से कम 3 घंटे लगते हैं। ये देखिए, 3 घंटों के बाद ये कितने बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो ये कितने इजीली कट हो रहा है। ये बहुत ही बढ़िया बना है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।